जी इनको पैरासिटिक पैरासिटिक है इसीलिए इनको वो कहते हैं ठीक है पैरासिटिक का ये मतलब होता है कि इन्होंने डिजीज कॉज करनी होती है वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको ये प्राइमरी होस्ट कहते हैं और कुछ को सेकेंडरी होस्ट कहते हैं और होस्ट है? उनको कहते हैं जिनमें ये अपनी लाइफ कुछ टाइम के लिए गुजारते हैं ठीक है कुछ टाइम ये अपना एक ऑर्गेनिज्म में गुजारते हैं और जो नेक्स्ट लाइफ है वो दूसरे में गुजारते हैं अपनी कंप्लीट करते हैं जी इसमें लिवर फ्लोक आ जाएगा इसमें प्लेनेरिया आ जाएगा इसमें टैप वर्म आ जाएगा और इसके अलावा के जो ब्लड फ्लो की भी एग्जाम्पल है हमारे पास हम इसमें देखेंगे स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन तो शो हो रही है यस yes, मैम हो गई है वो पहले नहीं थी हो रही स्क्रीन शो हो रही है जिसको नहीं हो रही है, वो दोबारा से कनेक्ट कर ले नो no, मैम हो रही है इसके बाद है हमारे पास प्लेटी हलमन थी इसके हमने करेक्टर्स पढ़ने हैं ठीक के करेक्टर्स कौन कौन से है ए सिलोमेट हमने पढ़ा था ए सिलोमेट उसको कहते हैं जिसमें कोई सेंट्रल जो है वो बॉडी कैविटी नहीं होती ठीक है जिसमें कोई कैविटी नहीं होती उसको ए सिलोमेट्स कहते हैं और इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सोवेंटली फ्लैट है फ्लैट लाइक ऐसी फ्लैट फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं और ट्रिप्लो उनको कहते हैं जिनमें तीन लेयर्स मौजूद होती हैं ठीक है ऐसे एम्प्रियो जिनमें तीनों लेयर्स होती हैं जो एक्टोडाम और एंडोडर्म है वो जस्ट नडेरियंस में पाई जाती है, है सिलेंट्रेट्स को और जो मीजोडम फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुई है वो प्लेटी हेलम से हुई है इसमें आप ये देखेंगे कि ये सिलोमिट्स हैं ठीक है ए सिलोमिट्स और सूडो इनमें डिफरेंस क्या है जो सिलोमिट्स है और ए सिलोमिट्स ये हमारे पास ए सिलोमिट है जैसे कि प्लेटे हेलमथीस की बॉडी है इसमें जो ब्लू कलर है वो एक्टोडर्म को शो कर रहा है ठीक है और जो येलो ये आपको लाइन नजर आ रही है गोल सा सर्कल ये है एंडोडर्म और गट उसको कहते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है उसको गट कहते हैं ठीक है दिख्या? जो इसमें आपको रेड एरिया ज्यादा नजर आ रहा है ये हमारे पास मीजोडाम है ठीक है और यही मिजोडाम जो है इसमें देखें देखेंडाम ए सिलोमेट्स में ज्यादा होती है इसमें कैविटी नहीं है ये हमारे पास कैविटी है ये सिलोम ये जो आपको लाइट स्काई कलर नजर आ रहा है ये हमारे पास कैविटी है ठीक है इसमें सूडो सिलोमेट्स में भी कैविटी है लेकिन जो ए सिलोमेट्स है इनमें कैविटी मौजूद नहीं है ठीक इसी है इसीलिए इनको ए कहते हैं Clear. इसके बाद हमने ये देखना है कि इनमें सिमिट्री कौन सी होती है बायलैटरल सिमिट्री होती है बायलैटरल सिमिट्री का ये मतलब होता है कि एक बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना ठीक है इक्वली हाफ्स में डिवाइड करना बाय वन सेंट्रल प्लेन जी जी हाजरा ऐसे ही है जब नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे डिटेल के साथ लीवर फ्लो को और प्लेन एरिया को तो मैं आपको साइंटिफिक नेम भी साथ बताऊंगी अभी अगर एंड पे अगर ना बताऊं तो फिर आप ये बात कीजिएगा ऐसे आप पूछेंगे तो बाकी के स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होंगे जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही वो दोबारा से कनेक्ट करें बाकी सब स्टूडेंट्स को हो रही है इसके बाद है कि इनमें नर्वस सिस्टम का बताया गया कि नर्वस सिस्टम कौन सा मौजूद होता है।, में है, है, में है ठीक है इनमें जो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं अर्लियर हैं उनमें नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होते ठीक है उनमें नर्व्स होती हैं या नर्व कॉर्ड्स होते हैं जिनसे वो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे होता है फॉर एग्ज़ाम्पल नर्वस सिस्टम में जो इंटीरियर ब्रेन है इंटीरियर uh, ब्रेन और इंटीरियर uh, ब्रेन उस पोर्शन को कहते हैं जो फ्रंट uh, रीजन होता है ठीक है ब्रेन का जो इंटीरियर पोर्शन होता है ठीक है उसे कहते हैं द पेयर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड और इंटीरियल ब्रेन से नर्व कॉर्ड निकलेंगी ठीक है जो कि लॉन्गी होंगी मतलब लेंथ वाइज वो बॉडी uh, में मौजूद होती हैं और उनका काम होता है मैसेज को कन्वे करना कि हम next में देखेंगे भी कि कि पे पे हैं और interior brain कहां है। और इनका जो होता 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 है वो incomplete होता है है वो किस तरह से होता है कि इसमें जस्ट एक ओपनिंग होती है और उससे कहते हैं इन जो माउथ होता है ये उसी को ही एज ए एन भी यूज करते हैं उसी से ही फूड एंटर होती है और उसी से ही फूड बाहर रिमूव होती है ठीक है इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं नो एनस फूड एग्जिट व्या माउथ एग्जिट भी माउथ से ही होगी और एंटर भी माउथ से ही होगी इसीलिए से इनकम्प्लीट गट भी कहते हैं या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या ये भी कह सकते हैं कि इनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है नेक्स्ट हमने ये पढ़ना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम और ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन का ये होता है कि जो uh, मिन बायलैटरल सिमेट्री का ये मतलब है कि एक ऑर्गेनिजम्स को दो ही कोल पार्ट्स में डिवाइड करना और सेंट्रल एक्सिस पे सेंट्रल नाइन्टी के एंगल पे एक ऑर्गेनिज्म को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना ठीक है इसको कहते हैं बायलैटरल समिट्री इन्फेसिटेशन किसको कह रही है हाजरा आप इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम Uh, सब स्टूडेंट्स क्लास को टाइम पे ज्वाइन किया करें फिर ही आपको समझ आएगी uh, वरना आपको नहीं आएगी इसमें यह है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम और ऑस्मोरेगुलेशन रेगुलेशन कैसे होती है एक्सक्रीशन का ये मतलब होता है कि कैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी के लिए जो जरूरी ना फॉर एग्जांपल अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बॉडी के लिए एसेंशियल हैं तो वो बॉडी में दोबारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अमोनिया है वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है और इसमें ऑस्मो रेगुलेशन का ये होता है कि वाटर और आयंस का एक्सचेंज कैसे होता है मिनरल को आयंस को बैलेंस कैसे किया जाता है डिफ्यूजन है जिसके जरिए से ऑसमो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की जाती है डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाना सेम ऐसे ही जैसे आप स्टेयर्स में अपवर्ड से डाउनवर्ड आते हैं तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं ठीक है और ये बॉडी वॉल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है ठीक है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी वॉल उसको कहते हैं उसके जरिए डिफ्यूजन के जरिए से ये रिमूव होते हैं वेस्ट मटेरियल भी और ऑस्मो रेगुलेशन भी और इसके अलावा एक प्रोटोनफ्रीडिया रोटोन नेफ्रिडिया क्या होता है कि ये स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स का ये काम होता है कि रेगुलेशन में भी हेल्प करना और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करना और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनाते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स uh, uh, या गैमेट्स जिन्होंने आगे ऑर्गेनिजम्स बनाने होते हैं ये आपको मैं अभी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि ये एक्सक्रीशन जो है ये प्रोटोनिया के थ्रू कैसे होती है ये हमारे पास प्लेन एरिया की एग्जांपल है ठीक है और ये हमारे पास है गेंग्लिया गेंग्लिया ये मेन गेंगलिया होता है जिनका आ, काम होता है नर्व इम्पल्स को मतलब मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना और ये जो हमारे पास येलो कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है ना ये हमारे पास है वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है गैंगलिया से ही वेंट्रल नर्व कॉर्ड राइज होती हैं और ये है माउथ और माउथ के अंदर जाके हमारे पास एंटर होंगे तो आ गया आएगा फेरेंस और ये माउथ ही है जो कि एनस का भी काम करता है और माउथ का भी और इसी वजह से इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या आ, इनकम्प्लीट गट यह सैकलाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं ठीक है और इनमें ये जो कैविटी होती है इसको कहते हैं और cavity का ये ये काम होता है है, कि digestion में help करना। कोई कोई भी अगर चीज खाता है, तो ये जो डाइजेशन होगी ये गेस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में ही होगी क्लियर का आपको पता चल गया अब नेक्स्ट मैं आपको बताती आप हूँ कि प्रोटोनिया एक सेकेंड यहाँ तक आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई है ये हमारे पास प्लेन एरिया ठीक है इसमें ये एक्सक्रीटरी पोर्स दिखाए गए हैं और एक्सक्रीटरी केनाल दिखाई गई है ठीक है और, और इसी एक ये जो हमारे पास केनाल नजर आ रही है आपको इसको इन करके जूम करके दिखाया गया है कि इसमें जो है एक्सक्रीटरी पोर कैसे है कि कैसे बाहर रिमूव होता है मटेरियल और इसमें ये जो सीलिया मौजूद होते हैं ठीक है इसमें ये फ्लेम सेल और फ्लेम सेल को ही हम प्रोटोनफ्रीडिया भी कहते हैं और इसमें ये सीलिया जो है ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं इसके अलावा ये टिब्यूल्स सेल्स होते हैं जो कि ट्यूब्स बनाते हैं ये आपको नजर आ रहा होगा ये देखें ये साइड पे ये ट्यूब्स बन रही हैं जैसे फंजाई का हाईफी लाइक स्ट्रक्चर होता है सेम वैसे तो इनको ट्यूब्स तो सेल्स कहते हैं ठीक है और ये फ्लेम सेल इनको लार्ज और यही फ्लेम सेल्स जो है ये प्रोटोनेफ्रीडिया बन, बनाते हैं और इन्हीं फ्लेम सेल्स का ये काम होता है कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करना आवाज तो सबको आ रही है आ, नर्व कॉर्ड का ये मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है प्लेटी हेलमेंथीज जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स uh, होते हैं उनमें मौजूद नहीं होता ठीक है जैसे ह्यूम में नर्वस सिस्टम वेल डिवेलप है वैसे जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं लोयर उनमें मौजूद नहीं होता उनमें जो नर्वस uh, सिस्टम होता है वो नर्वस होती हैं या नर्व कॉर्ड गेंग्लिया होते हैं गेंगलिया क्या होते हैं uh, जो सेल बॉडीज जब आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सेल बॉडीज होती हैं और न्यूक्लियस होता है जो सेल बॉडीज कंबाइन करके बनाएंगे उसे कहेंगे गैंगलिया ठीक है और यही गैंगलिया जो है वो आगे डिवाइड होके बनाएंगे यही गैंगलिया आगे डिवाइड होके नर्व वेंट्रल नर्व कॉर्ड बनाएंगे और इन नर्व कॉर्ड्स का, का काम क्या होगा इस नर्व कॉर्ड ने आगे जाके जो मैसेज होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कन्वे करना होता है ठीक है ये देखें ये हमारे पास गैंगलिया है फर्श करे अगर ये गैंगलिया यहाँ पे ही रह जाते हैं ये कैलोलाइन आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो ये एक बॉडी के एक पोर्शन से यहाँ तक मैसेज कैसे जाएगा इसीलिए ये गेंगलिया जो है ये आगे डिवाइड करके वेंट्रल नर्व कॉर्ड बना देंगे है वेंट्रल इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इनकी पोजीशन है वो वेंट्रली है इसलिए इनको वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं और नर्व कॉर्ड का ये मकसद होता है मैसेज को कन्वे करना जैसे हम ह्यूम में जो नर्वस सिस्टम है फॉर एग्जाम्पल ब्रेन है ब्रेन ने पूरा फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है मैसेज देना होता है इस वक्त ये परफॉर्म करना है और ये फंक्शन परफॉर्म करना पूरे हार्मोनल कंट्रोल के साथ सेम इसी तरह से जो मैसेज गैंग्लिया से कन्वे किया जाता है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड के जरिए से पूरी बॉडी में कन्वे होता है क्लियर इसे वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं आवाज सब स्टूडेंट्स को आ रही है जिसको नहीं आ रही वो दोबारा से रीकनेक्ट करें वेंट्रल नर्व कॉर्ड की समझ आ गई क्या जी मैम इसमें आपने जस्ट प्लेटी हेलमन थीस के जनरल करेक्टर्स देखने हैं जो कि मैंने आपको इसमें बता दिए हैं एक तो इसमें प्लेटिक हेलमन थीस में ये, ये ए सीलोमिट्स होते हैं इनमें कोई कैविटी नहीं होती दूसरा इनकी बॉडी फ्लैट है और थर्ड कि ये ट्रिप्लो ब्लास्टिक होते हैं ट्रिप्लो ट्राई मेन थ्री और ब्लास्टिक मेन लेयर्स ठीक है ट्रिप्लो प्लास्टिक का ये मतलब है कि इनमें तीन लेयर्स मौजूद होती हैं नडेरियंस का हम पढ़ते हैं जब सिलेंट्रेट्स का तो इनमें दो लेयर्स मौजूद होती हैं एक्टो और एंडो ठीक है लेकिन प्लेटी हेलमन थीज में भी मौजूद होती है ये हमने देखा कि ए सिलोमीट में, में क्या डिफरेंस है जो ए से इनमें कोई कैविटी नहीं होती है एज कम्पेयर टू सिलोमिट्स के और सूडोसिलोमिट्स के इनमें कैविटी मौजूद होती है इसके अलावा प्लेटी हलम बाइलेट्रलिटरिया के एक ही ऑर्गेनिज्म को दो ऑर्गन्स दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करना और वो भी Uh, एक ही सेंट्रल एक्सिस के तहत ठीक है थीके? और जो कि इसके प्रिपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं सिमेट्री एडवांसमेंट में यह है कि इनमें सिस्टम एज कम्पेयर टू सिलेंट्रेट्स के मौजूद तो होता है लेकिन इतना वेल well डिवेलप नहीं होता एडवांसमेंट इसमें एडवांसमेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिलेंट्रेट्स में नर्वस सिस्टम नहीं था और uh, प्लेटिहलमन थी जो नर्वस सिस्टम है, जो है वो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि लॉन्गी का यह मतलब होता है कि लेंथ वाइज पाई जाती हैं और पेयर्ड कहा आपने देखा कि दो उसमें एक पेयर्ड है और दो उसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं ठीक है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट है माउथ के जरिए से ही एंट्री भी होती है और एग्जिट भी होता है और एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया

ऐसे फ्लैटफॉर्म्स जो कि इनसाइड बॉडी के, के मौजूद नहीं होते फ्रीली मूव कर सकते हैं उनको कहते हैं फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स और ट्रीमा उनको कहते हैं इनमें फ्लूक्स जितने भी फ्लूक्स हैं वो सारी ट्रीमा क्लास में आती हैं और आल आर पैरासाइट्स पैरासाइट्स वो होते हैं कि जो कि अपनी फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड से हासिल करते हैं और कैस्टोडा उनको कहते हैं इसमें आ जाते हैं टैप वर्म्स टैप वर्म्स की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो आ, क्लास कैस्टोडा में आती हैं ठीक है ठीके? इसमें भी जितने हैं वो सारे पैरासाइट्स हैं आ, फ्लूक्स का हम पढ़ेंगे जैसे कि टैपव और फ्लूक्स है इनका मेन मकसद यही होता है ऑर्गेनिजम्स जो बॉडी अपनी फीड होती है ये एज ए पैरासाइट उस बॉडी के अंदर गुजार देते हैं और वहां से अपने खुराक लेते हैं जी ये साइंटिफिक नेम है ये जो आपने देखा है कि पहले हम डिवाइड करते हैं किंगडम को किंगडम को आगे करते हैं फाइलम में फाइलम के बाद हम करते हैं क्लासेस में क्लासेस के बाद हम... उसके बाद करते हैं ऑर्डर और ऑर्डर के बाद करते हैं फैमिली फैमिली के बाद करते हैं जीनस और स्पीशी में जो मैंने आपको हिरार की पढ़ाई थी किंगडम क्लासिफिकेशन में ठीक है इसमें जो हम फाइलम प्लेटियल थी से इसको क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं टर्बुलेरिया ट्रेमाटोडा और कैस्टोडा ये तीन इनकी क्लासेस हैं और ये क्लासेस किस बेस पे की गई हैं इनकी मौजूदगी की बेस पे के फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं और फ्लूक्स कौन से हैं टैपवम कौन से हैं ठीक है इसमें जो टैपवम और फ्लूक्स हैं ये सारे पैरासाइट्स हैं और एज कंपेयर टू टर्बुलेरिया क्लास के इसमें जितने भी फ्लैटफॉर्म्स हैं वो सारे फ्री लिविंग है इसमें हम ये डिटेल से देखेंगे आगे इसमें हम डिटेल से आगे देखेंगे कि टैपवर्म क्या है और ये क्लास टर्बुलेरिया में फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म के हैं ये हमारे पास है क्लास जी उसामा? और के बारे में बता दें जी फेरिंग्स और लेरिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता दें ओके जो फेरिंग्स और लेरिंग्स में डिफरेंस ही होता है ये जो लेरिंग्स का काम है इसका मकसद जो बॉडी में है इसका है साउंड प्रोडक्शन में और साउंड प्रोडक्शन भी जस्ट ये ह्यूमंस में करती है आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही आप सबको मैम आ रही है आवाज सबको आ रही है फेरिंग्स और लेरिंगस में यही डिफरेंस होता है फेरिंग्स का काम एज ए वॉइस उसे ऑर्गन या बॉक्स भी कहते हैं लेरिंग्स को ठीक है ह्यूमन में जो वॉइस प्रोडक्शन होती है वो लैरिंग से होती है ठीक है लेकिन जो फेरिंग्स है ये थ्रोट का पार्ट होता है ठीक है जैसे ही अग, अगर हम फूड को इनगल्फ करते हैं माउथ पहले माउथ में एंटर करेंगे फिर वो नेक्स्ट प्रोसीजर जाएगी ठीक है जो फेरिंग्स होती है ये थ्रोट का पार्ट है और ये बिहाइंड द माउथ होता है इसका काम है खाने पीने में डाइजेशन में लेकिन जो है वहां से फूड एंटर नहीं हो सकती उसका काम है जस्ट साउंड की प्रोडक्शन में इनमें मेन डिफरेंस ये है ओके ये हमारे पास है क्लास टर्बुलेरिया ठीक है इसमें फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म है और क्लास टर्बुलेरिया की एग्जांपल हमारे पास फ्रेश वाटर है उसके अलावा फ्रेश वाटर में हमारे पास प्लेनेरियंस आ जा जाते हैं प्लेनेरियन का ये हमारे पास है कॉमन है और इसका जो साइंटिफिक नेम है है वो है आपने इनके साइंटिफिक नेम साथ याद करने हैं और ये फ्रीली मूव कर सकते हैंबिट टेरेस्ट्रियल कुछ ऑर्गेनिजम ऐसे भी हैं जो कि मॉइस प्लेसेस में रहते हैं ठीक है टेरेस्ट्रियल वो होता है जो जमीन पे रहने वाले और वाटर या इक्वेटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिर्फ पानी में रहते हैं इसमें ये हम ये प्लेन एरिया की ही एग्जाम्पल है हमारे पास ये इसके आई स्पॉट्स हैं, ठीक है जैसे ह्यूमंस में होती है ये उसकी बॉडी है और बॉडी की ये जो इसकी इस, आ, अंदर की जो कैविटी है उसको कह रहे हैं गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये फेरिंग्स है से पहले जो है माउथ बिहाइंड द माउथ जो है वो फेरिंग्स जैसे फूड जो है माउथ सेंटर होके वो फेरिंग्स में जाएगी और फेरिंग्स के बाद जो है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में डाइजेशन के लिए जाएगी इसमें आपने क्लासेस का उतना ही करना है जितना मैंने आपको इसमें पढ़ाना है ठीक है ज्यादा इसमें डिटेल में आपने नहीं देखना आगे डिगेसिया का बताया गया कि डिगेसिया इज अ थिन सिलेंडर सॉफ्ट वॉर्म अबाउट इसकी कितनी लेंथ होती है 15 मिलीमीटर mm होती है ब्लंटी ट्राइंगर इंटीरियर एंड होता है ये जो इसका इंटीरियर एंड ये इसका इंटीरियर एंड है ये देखें ये जो ब्लंट पड़ रहा है ना इसको कह रहे हैं ब्लंटी ठीक है और इसी शेप की वजह से इसको जो है वो ब्लंटी इसकी लेंथ जो है वो फिफ्टीन मिलीमीटर mm होती है और इसका जो टेपर्ड बॉडी पैटर्न जो डार्क पिगमेंट होते हैं ये आपने बॉडी में दे, देखेंगे ऊपर है हेड रीजन बेयर्स टू ब्लैक आई स्पॉट्स ठीक है का ये मतलब होता है कि इसके जो मीडियन रीजन में ब्लैक आई स्पॉट्स दो मौजूद होते हैं जो मैंने आपको बताया भी कि जैसे ह्यूमंस की आईज का फंक्शन होता है सेम ये आई स्पॉट्स उसमें द आउथ इज ऑन वेंट्रल सर्फेस जो 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 है 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 वो होता इसका ये देखें एक तो ये में है और दूसरा ये मिडल में है ये माउथ कभी भी ना तो ये इंटीरियर रीजन में होगा ना ही ये पोस्टीरियर रीजन में होगा ये हमेशा जो है ये मिडल पोर्शन में होगा और दूसरा ये वेंट्रली प्लेस होगा वे, आ, Venture कहते हैं कि जो वेंट्रल लोकेशन में मौजूद हो ठीक है उसे कहते हैं वेंट्रल पोजीशन। इसके बाद है हमारे पास <coughs> मैम ये तीनों पॉइंट्स एक मिनट करते इसमें डिगेसिया का स्ट्रक्चर बताया गया डुगेसिया है डिगेसिया कहते हैं कॉमन में प्लेन एरिया को ठीक है मैंने आपको प्लेन एरिया में पहले ही बताया कि उसमें एक उसकी शेप कैसे होती है इसमें ये देखें कि ये इसका ये आई स्पॉट्स हैं दो ठीक है और ये जो इसकी जो बॉडी ब्लेंड हो रही है ये ब्लेंड इसी वजह से इसे ब्लेंटी भी कहते हैं और ये ट्राई एंगुलर शेप इख्तियार कर रहा है यहाँ से ये जाके आ, आ, बेंड करके जो आगे बॉडी बनाएगा ठीक है इसीलिए ट्रायंगुलर शेप कहते हैं और इसमें दो आई स्पॉट मौजूद होते हैं और इसमें जो इसकी लेंथ बॉडी की बताई गई है वो फिफ्टीन जो है वो मिलीमीटर बताई गई है लॉन्ग और इसमें माउथ का बताया गया है जो माउथ है वो वेंट्रल पोजीशन में होगा और वेंट्रल पोजीशन वो होती है कि जो नियर द बैली हो ठीक है और दूसरा ये कि माउथ ना तो इंटीरियर साइड पे होगा और ना ही पोस्टीरियर साइड पे होगा पोस्टीरियर कहते हैं एंड वाली सेक्शन uh, को ठीक है और इंटीरियर कहते हैं जो फ्रंट ऑफ द माउथ हो ठीक है ये हमेशा सेंटर में ही रहेगा और इसी माउथ से जो बॉडी है वो फेरेंक्स में एंटर होगी फेरेंस और लरेंस का ये डिफरेंस है दोनों नाम जो है वो ऐसे लगता है कि सेम इनका फंक्शन होगा लेकिन दोनों डिफरेंट है डिफरेंट इस तरह से है कि जो, जो लैरिंग्स का काम होता है वो वॉइस प्रोडक्शन में होता है ठीक है जो फेरिंग्स का काम होता है कि माउथ जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं इसे माउथ में जैसे ही ये फूड को इनगल्फ करेगा इनगल्फ करने के बाद ये फेरिंग्स में जाएगी ये जो आपको इतना पोर्शन नजर आ रहा है ये फेरिंग्स है फेरिंग्स के बाद ये इसकी जो गेस्ट्रोवलर कैविटी है ये आपको लाइन नजर आ रही होगी डार्क कलर की ये इसमें आएगी और यहां पे आके इसकी डाइजेशन होगी डाइजेशन का ये मतलब है कि जितने भी फूड खाई होगी वो सारी हजम करनी होगी ठीक है जब वो फूड हजम हो जाएगी तो फिर ये नेक्स्ट को खा सकता है जब तक वो हजम नहीं होगी वो अनडाइजस्टेड फॉर्म में रहेगी और जो इसमें से जो एब्जॉर्टिव मटेरियल होगा वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो बॉडी से बाहर माउथ के ही थ्रू बाहर रिमूव किया जाएगा क्लियर थ्रो इट अ ट्यूबुलर फेरें फेरेंस या उसको प्रबोसिस भी कहते हैं और ट्यूबुलर uh, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ट्यूब की शेप का होता है आपने वो देखा कि जो फेरेंस है वो ट्यूब की शेप का है और उसके बाद है विद मस्कुलर वॉल्स कैन बी एक्सेंडेड टू कैप्चर फूड ठीक है और ये इसकी वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं और मस्कुलर इसीलिए होती हैं क्योंकि उसने फूड को माउथ से कैप्चर करना होता है और एक्सक्रीटरी ओपनिंग क्या है कि प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सर्फेस डिफिकल्ट टू सी ठीक है जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग होती है वो डॉर्सल साइड पे होती है और इसीलिए वो नजर नहीं आती वो उसको देखना जो है वो मुश्किल होता है डोरसल पोर्शन कहते हैं पिछला जो पोर्शन होता है ना बैक साइड का उसको ठीक है और जो वेंट्रल होता है वो नियर द बेली होता है इसमें ये लोकेशन और डिफरेंस आपने याद रखना है उसके बाद है जेनिटल पोर जेनिटल पोर मिच्योर वॉर्म हैज इट ऑन द वेंट्रल सर्फेस बिहाइंड द माउथ माउथ के बिहाइंड जो है वेंट्रल सर्फेस पे जेनिटल पोर होता है जैनितल पौर, जैनितल पौर, जैनितल पौर, जैनितल ठीक है इसका काम भी एक्सक्रीशन में ही होता है बॉडी कवर्ड बाय एपिडर्मिस और एपिडर्मिस की कौन सी लेयर है सिंगल लेयर ऑफ कैम्बोडियल और टू कलेमर सेल्स ठीक है एपिडर्मिस की जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन में पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस की कितनी टाइप्स होती हैं तो उसमें ये कैम्बोडियल और जो क्लेमुलर सेल्स हैं ये एपिडर्मिस की ही टाइप्स हैं ये सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती है और ये कैम्बोडियल से कलेमुलर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है ठीक है और इनसे बॉडी कवर होती है क्लियर अच्छा एक ये एक दो इसमें बातें रह गई उसको देख लें तो इनशाला फिर इसको वाइंड अप करते हैं ठीक है इसमें आपने एक तो ये इसका स्ट्रक्चर याद रखना है प्लेनेरिया का इनकी मेन प्लेटी हेलमन फाइलम की बातें याद रखनी है ये हमारे पास हमने अभी पढ़ा था कि फ्रेश वाटर का और ये क्लास टर्बुलेरिया में हमारे पास मेरीन स्पीशीज का बताया गया कि ये हमारा लास्ट टॉपिक से ही रिलेट करता है इसीलिए इसको करते हैं वैसे भी जस्ट फाइव मिनट रह गए हैं कि मेरीन स्पीशीज का कैसे रोल है कोरल रीफ्स में हमने पढ़ा था कि कोरल रीफ जब कैसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये ब्यूटीफुल कलर्स देते हैं कोरल रीफ्स को हमने कोरल रीफ्स के जो कलर uh, से वो भी देखे थे कि वो कैसे डिफरेंट करते हैं सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ कोरल रीफ इकोसिस्टम जो कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है वो हमेशा जो है वो टर्बुलेरिया uh, uh, की जो क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं वो बनाते हैं ठीक है मरीन स्पीशीज फ्रेश वाटर नहीं क्योंकि कोरल रीफ हमेशा मैरीन में ही बनता है मतलब ओशियन में फ्रेश वाटर में कोरल रीफ नहीं बन सकता फ्रेश वाटर में आप पोन्ड की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं पोर्ड में कभी भी कोरल रीफ जो है वो नहीं बनेगा इसमें है सम आर मेजर प्रीडेटर्स ऑफ क्लोनियल एस्केडियंस एस्केडियंस में हमारे पास सी स्कर्ट्स ये एक ऑर्गेनिजम है ये उनको खा जाते हैं ठीक है एज ए प्रीडेटर यूज करते हैं छोटी मछली को खा जाती है सेम इसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म और क्लैम ये अपने आप को बचाने के लिए वहां पे छुप जाते हैं और इस तरह से ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं सम लिव एम्बायोटिकली

जो सी सिक्योर्ड है ये वॉइस बंद करें, करें। किसकी वॉइस आ रही है वॉइस मत खोला करें वॉइस क्यों खोल के बाहर जाते हैं आप लोग जांगीर म्यूट करें माइक मैंने कहा भी है पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया है कि माइक अपने ऑफ रखा करें ना ऑन किया करें बाकी स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं मैं भी होती हूँ जी पीडीएफ से आपने जो स्लाइड वाला है जस्ट उसको मैच करना है वॉइस बंद करें किसकी ओपन है इसमें क्लोनिकल का ये मतलब होता है कॉलोनीज की शक्ल में रहना ठीक है एस्केडियंस कहते हैं जो आर्थ्रोपोडा है की क्लास है ना उनको कहते हैं इसमें सी जाती है जैसे हमारे पास की एग्जाम्पल और पेस्ट सेम इसी तरह से होते हैं पेस्ट का ये मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म चीजों को खा जाते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि वीट पे पेस्ट आता है और उसको वीट को गंदम को खा जाता है सारी को ठीक है और उसको पेस्ट को खत्म करने के लिए फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं ठीक है ताकि उन पेस्ट को मार सके हम वीट को बचा सके गंदम को बचा सके अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सके सेम इसी तरह से सेम्बायोटिकली का मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना तो फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है ठीक है ये सेमबायोटिकली भी रहते हैं इसमें इनवर्टिड्स और इसके अलावा ब्यूटीफुल कलर्स भी प्रोवाइड करते हैं एज ए प्रीडेटर्स भी कॉलोनियल स्पीशीज को ये, आ, देते हैं उसके अलावा और और ये मुलस्क है मुलस्क की जो एग्जाम्पल और क्लैम्स और इन्होंने एज ए कमर्शियल पेस्ट भी यूज होते हैं क्लियर क्लियर हो गया स्टूडेंट यहां तक आपको जी. ओके okay. और ये हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे आपने ये देखा होगा अक्सर जिसको आप सुंडी भी कहते हैं ठीक है ये ऐसे ही रिंगते हैं और चलते हैं वैसे भी टाइम ख़त्म टाइम होने वाला है इन नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जितनी भी डिटेल होगी वो सारी पढ़ेंगे यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लें आपने स्लाइड्स को पीडीएफ से मैच करके फिर पढ़ना है